हमारे साथ श्री अशोक जैन जो मांगरोल से चुनाव जीत के कोटा पधारे हैं, वो हमारे बीच में है। अशोक जी ने एक लहर उत्पन्न की मांगरोल के अंदर, जैसे पहले हाड़ोती में सबसे पहले अन्ना चौक और जन लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन चला था, उसमें 80,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था हिंदुस्तान के अंदर कि अब की बार जो तिरंगा जाएगा वो हाड़ोती ही से ही लाल किले की दीवार पर फहराएगा। मैं अशोक जी से निवेदन करता हूं कि वो देश की जनता के लिए हाड़ोती की तरफ से एक मैसेज दें। ये पकड़िए, बोलिए, यूं रखिएगा। मांगरोल के अंदर हाल ही में जो चुनाव हुए, राइट टू रिकॉल, इसमें राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था, मेरे चुनाव की पूरी कमान संभाल रखी थी और उन्होंने जाति, धर्म, धनबल इन सब से वोटों को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन मेरे 3 साल के शासनकाल की उपलब्धि यह रही कि मेरी नगरपालिका 100% भ्रष्टाचार से मुक्त है और यदि कोई भी आम नागरिक अगर एक कप चाय का दाग मेरे ऊपर तो क्या अगर मेरे कर्मचारी पर भी लगा देगा, उसी दिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये मैंने आज से 3 साल पहले घोषणा की थी और वही घोषणा आज भी कर रहा हूं और 3 साल के पीरियड में कोई भी आदमी ने आज तक एक कप चाय का दाग भी नहीं लगाया है। दिल्ली से अन्ना टीम आई थी, केजरीवाल टीम आई थी, राजस्थान से भी आई और इन सब लोगों ने इस बात का इत्मीनान करने के बाद उन्होंने मेरे इलेक्शन के अंदर, मेरे राइट टू रिकॉल के वोटिंग के अंदर भरपूर लोगों को डोर टू डोर जाकर समझाया और लोगों ने ईमानदारी पर एक छाप लगाई। जनता ने एक मैसेज दिया, ईमानदारी का बोलबाला, झूठे बेईमानों का मुंह काला, आम आदमी ने अपनी ताकत को पहचाना, भ्रष्टाचारियों से किया किनारा, आम आदमी भागा, भ्रष्ट मंत्री पूर्व मंत्री प्रमोद भाया भागा, सत्यमेव जयते को किया पुनः प्रमाणित और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 को प्रमाणित किया। यही मेरा जनता के लिए मैसेज है कि आप आम आदमी की ताकत को पहचाने, आम आदमी बने और आम आदमी पार्टी से जुड़े और देश हित के बारे में सोचे, धर्म जाति धनबल बाहुबल इन सबसे ऊपर उठकर देश हित के लिए सोचे और देश हित के लिए समर्पित हो, अपनी ताकत को पहचाने और इन भ्रष्ट नेताओं से, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जैसे कि इन्होंने मेरे अभी राइट टू रिकॉल में बीजेपी और कांग्रेस ने एक जाजम पर बैठ करके मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास किया लेकिन जनता ने इन सबको नकार दिया। इसी प्रकार आप भी ईमानदार आदमी को अपना आने वाले टाइम पर समर्थन देकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने में अपना पूरा मदद दें, सहयोग दें। ये निवेदन है, जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। 18 और 19 को जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोटा जिला कोटा में अभियान चलाया जा रहा है, इसके बाद में 20 और 21 को बूंदी में होगा। सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो इस आम आदमी पार्टी से जुड़े और देश को मजबूत करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।